सर, सबसे पहले नाम। मेरा नाम दीपक तंवर है, मैं अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ पे आज हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मरीजों के लिए, उनके परिजनों के लिए जो भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा है, आज हम लोग युवा मोर्चा से महामंत्री, चाहे हमारे रामलखन लोहिया जी हो, नई दिल्ली ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भाई बबलू चौधरी जी हो, चाहे हमारे दिल्ली खेल प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी संजय मित्तल जी हो, और हम सब लोगों ने मिल के, यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं मोहित जी, काफ़ी सब लोगों ने मिल के आज जगत पहलवान जी के साथ कंधे से कंधा मिला के आज हम लोगों ने एक एक मरीज के परिजनों की आज सेवा में लगे हुए हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री और मनोज तिवारी जी ने हमें दिशा निर्देश दिए कि सबका साथ सबका विकास, सबकी सेवा में लगना है, एक एक आदमी तक। हम भाजपा का एक ही कहना है कि लाइन में खड़े हुए आखिरी आदमी तक सुविधा जानी चाहिए। हम लोग यह सेवा में लगे हुए निरपक्ष निरपक्ष भाव से। आप देख ही रहोगे कितने लोगों ने सुबह से यहाँ भोजन किया है, तो हम लोग इसी सेवा के माध्यम से आज इन्हीं मरीजों के, उनके परिजनों के साथ आज जन्मदिन के सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष जगत पहलवान दिल्ली प्रदेश। क्या प्रोग्राम रखा है आपने और क्या मकसद है इसका, सबसे पहले तो ये बताइए। हमारा ये प्रोग्राम, हमारे जो आज प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के जन्मदिन पर हमने भोजन वितरण और गरीबों की सेवा के लिए ये प्रोग्राम रखा है, और ऐसे अध्यक्ष हैं हमारे कि जो गरीबों की सेवा कर कर अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो हम गरीबों के लिए हम यहाँ बिस्कुट, चाय, भोजन, दवाई बांट कर और उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और हमारी यही है कि सभी से अपील है कि ऐसे ही इसी तरीका से गरीबों को अगर हम मदद देंगे, सहयोग देंगे और ऐसे संदेश हम देंगे जैसे हमारे अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने दिया है कि कोरो मेरा जन्मदिन गरीबों को बीच में मनाया जाके, तो हमारी यही संदेश है सभी से कि हम घर घर जाके, गरीबों की बस्तियों में जाके, गरीबों की मदद करके, भोजन बांट के, किसी को दवा दिला के, किसी बच्चों की पढ़ाई, तो उस तरीका से हम इसको संदेश देना चाहते हैं कि तिवारी जी आप संघर्ष करो, पूरी दिल्ली, पूरा युवा, पूरी सभी आपके साथ हैं, और ऐसा प्रदेश अध्यक्ष पहली बार दिल्ली को मिला। तलूं अध्यक्ष दिल्ली चांदीवर्क एसोसिएशन। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं अपने बड़े भाई जो बहुत ही मृदुभाषी हैं और सबके सुख दुख के सहभागी हैं, मनोज जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वो हमारे स्टार प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत ही जन जन से जुड़े हुए हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि इसी तरह हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं जन जन से जुड़कर। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। बबलू चौधरी, हाँ बहन जी, क्या संदेश जाएगा आज इस प्रोग्राम के हवाले से, ये बताइए। संदेश एक ही जाएगा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमसे कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा, और हम लोग जो यहाँ पे जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि भाई आप ना, बड़े बड़े नेताओं ने आज तक अपना जन्मदिन, जो कांग्रेस ही रहे या आम आदमी के रहे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कैसे मनाते वो सब जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना जन्मदिन जब भी मनाएंगे गरीबों के बीच में रह के मनाएंगे और गरीबों के साथ ही अपना जन्मदिन मनाएंगे। बबलू जी अपना नाम बता दीजिए। बबलू चौधरी, क्या कहेंगे आज इस मौके पर मनोज तिवारी? आज बड़ा खुशी का दिन है, हमारे अध्यक्ष जी का जन्मदिन है और गरीबों का सेवा का मौका मिला है आज हमें। हमने बैठ के तय किया कि गरीबों के बीच में जाके जन्मदिन मनाना है, मनोज भैया की तरफ से एक मैसेज देना है, पूरे प्रदेश में एक मैसेज देना है, उसके लिए हमने बहुत तैयारी की थी और वो तैयारी आप लोग देख ही रहे हो भोजन की, उससे हमने पूरी तैयारी की है। जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।